हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ का आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं हमारा थर्ड टॉपिक एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का फॉर्मूला है C14H10। तो इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक रहेगा हमारा एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन कंपेयर करें, पहले हमने स्टडी किया है नेप्थालीन फिनेंथ्रीन, अब आया है हमारा एंथ्रासीन। तो पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी मेरे से, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। उसमें क्या बताया था मैंने, जैसे एंथ्रासीन की जो स्ट्रक्चर थी, ये हमारे दो बेंजीन रिंग और ये एंथ्रासीन की हमारी स्ट्रक्चर थी। लेकिन मैंने वहाँ पे ये बताया कि फिनेंथ्रीन में आप ये बेंजीन यहाँ पर ले आओगे तो ये फिनेंथ्रीन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिनेंथ्रीन में ओनली दो ही बेंजीन रिंग आती है। मेरा वहाँ से ध्यान थोड़ा हट गया था, मेरे मिस हो गया था। तो ये चीज़ आप याद रखना, उस वीडियो में इग्नोर करना ये चीज़, क्योंकि बेंजीन रिंग टू ही होती हैं नेप्थलीन के अंदर, और एंथ्रासीन के अंदर ये बेंजीन रिंग थर्ड बेंजीन रिंग या ऊपर होती है, सॉरी फिनेंथ्रीन के अंदर, और एंथ्रासीन के अंदर थ्री बेंजीन रिंग होती है। मतलब नेप्थालीन के अंदर एक बेंजीन रिंग और ऐड कर देंगे तो हमारा एंथ्रासीन बन जाएगा। तो आई होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। मुझे आज ही रिमेंबर हुआ कि मैंने वहाँ पर गलत बता दिया आपको, तो वो चीज़ बताना सही समझा मैं, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो आप सभी को। तो आज के लेक्चर में बात कर लेते हैं एंथ्रासीन के बारे में। तो एंथ्रासीन भी सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम है, तो लगभग जो इसकी थ्योरी होगी वो भी सेम ही होगी। एंथ्रासीन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री फ्यूज रिंग। अब नेप्थलीन में टू फ्यूज रिंग है, इसमें थ्री फ्यूज रिंग होगी। बेंजीन रिंग, इट इज ए कलरलेस सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली कलरलेस सॉलिड होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सो ब्लू फ्लोरिसेंस इन यूवी लाइट। यूवी लाइट के दौरान ये ब्लू फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस का मतलब है कि ये जो यूवी लाइट से जलते हैं तो जो कलर शो होता है वो इसका ब्लू कलर शो होगा। इट इज कंपोनेंट ऑफ कोल तार। तीनों कंपाउंड हमने स्टडी किए हैं, ये तीनों ही कोल तार से ऑब्टेन हुए हैं। इन एंथ्रासीन ऑल द कार्बन आर sp2। अब फिनेंथ्रीन में देखा था वहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज थे, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज थे, और जितने कार्बन हैं उतने ही पाई बॉन्ड होंगे। तो 14 कार्बन है, तो यहाँ पे भी रिंग हैज 14 पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज सिस्टम एंड इट इज एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक नेचर होगा ही, क्योंकि बेंजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई एंथ्रासीन की। अब देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एक बेंजीन रिंग हम हटा दें तो ये हमारा नेप्थालीन हो गया, इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे ले जाएं तो हमारा फिनेंथ्रीन हो गया। बात करें सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन, फर्स्ट है इसमें फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने देखी है, इसके थ्रू इसका सिंथेसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, एंथ्रासीन इज प्रिपेयर बाय कंडेंसेशन ऑफ टू मोलिक्यूल ऑफ बेंजील क्लोराइड। कौन से मोलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा? टू मोलिक्यूल ऑफ बेंजीन क्लोराइड। तो बेंजील क्लोराइड टू मोलिक्यूल का यहाँ पर कंडेंसेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये हमारा बन जाएगा एंथ्रासीन। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है। सेकंड है, एंथ्रासीन इज आल्सो फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमें मिलता है एंथ्रासीन। तो ये हमारे टू मोलिक्यूल ऑफ बेंजीन हो गए, और ये हमारा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारा एंथ्रासीन यहाँ पे बन गया है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ एंथ्रासीन। तो फर्स्ट देखिए डाई एल्डर रिएक्शन। तो डाई एल्डर रिएक्शन में क्या होता है कि मेलिक एसिड रिएक्ट करता है एंथ्रासीन के 9 और 10 पोजिशन पे, और ये बनाता है एंडो एंथ्रासीन मेलिक एनहाइड्राइड। क्या बना रहा है? एंडो एंथ्रासीन मेलिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड हमारा इसके अंदर बन रहा है। बात करें और अदर रिएक्शंस की, जैसे इसमें
किसी हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइन, ये नाइन्थ पोजीशन पे हेलोजन अटैच हो जाएगा तो नाइन हेलो एंथ्रासीन, बाकी H2SO4 से सल्फोनेशन रिएक्शन होगी तो इसमें हमारा ये SO2H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एंथ्रासीन 1 सल्फ्यूरिक एसिड 1 फर्स्ट पोजीशन पे, और HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो ये NO2 नाइन्थ पोजीशन पे ऐड होगा, 9 नाइट्रो एंथ्रासीन। ये कुछ रिएक्शंस हैं, कॉमन रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट एंथ्रासीन, फिरेंथ्रीन, नेप्थलीन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। तो फर्स्ट यूज है इसका, यूज एज इंसेक्टिसाइड फॉर क्रॉप्स, जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उनमें इंसेक्टिसाइड्स के रूप में एंथ्रासीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ यूज एज वुड प्रिजर्वेटिव, जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड होती हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, डिकम्पोज नहीं हो, उसके लिए भी एंथ्रासीन का यूज किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज एज यूवी ट्रेसर इन कोटिंग अप्लाई टू प्रिंटिंग वायर बोर्ड, जो प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड होते हैं उन पे कोटिंग अप्लाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंथ्राक्विनोन विच इज ए प्रीकर्सर ऑफ डाई, एंथ्राक्विनोन में भी ये कन्वर्ट हो जाता है जो एक प्रीकर्सर है डाईज का। तो आई होप ये कंप्लीट हमारा जो एंथ्रासीन रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्द ही हम नए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही सिलेबस कवर करवा देंगे आपका इस बार, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।